मैं खुशबू मिश्रा। इस बुलेटिन की शुरुआत झांसी से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां तेज रफ्तार कार ने टोल कर्मी को रौंदा है। गंभीर अवस्था में टोल कर्मी अस्पताल में भर्ती है। टोल प्लाजा की वारदात सीसीटीवी में कैद। मोड़ क्षेत्र के सेमरी टोल प्लाजा का मामला आप देखिए, गंभीर रूप से घायल टोल कर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दबंग की करतूत टोल कर्मी को रौंदा है। रोकने की कोशिश कर रहा था ये टोल कर्मी, लेकिन ये गाड़ी अपनी स्पीड में थी और अपनी स्पीड में ही निकली, रौंदते हुए तेज रफ्तार कार ने टोल कर्मी को रौंदा। आप देखिए ये तस्वीरें गंभीर। और एसएस जहां हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर। एसएस, ये क्या मसला है? टोल कर्मी ने गाड़ी वाले को रोकने की भी कोशिश की, बावजूद उसके वो रुका नहीं। क्या स्थिति बनी हुई है टोल कर्मी की अभी? जी मैं आपको बता दूं, झांसी के मोड़ थाना क्षेत्र के सैमरी टोल प्लाजा का मामला है। यहाँ पर टोल कर्मी जब गाड़ी रोक रहा था, तेज गति से जो कार आई उसमें टक्कर मार दी। टोल कर्मी नीचे गिर गया, गंभीर रूप से घायल है। हालांकि इस तरह की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं, और लेकिन जिस तरीके से जो लोग गाड़ी लेते हैं, पैसे ना देने के कारण तेज गति से यहाँ से निकलते हैं। कुछ कार्रवाई हुई है ऐसे अभी तक इन पर, इस पूरे मामले पर? हालांकि टोल कर्मी के परिवार वालों ने थाने पहुंचे हैं और एफआईआर कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी कहाँ की थी इससे इस बात का पता नहीं चल पाएगी। क्यों एसएस, जैसे कि हम देख पा रहे तस्वीरों में गाड़ी का नंबर तक क्लियर दिख रहा है, और चालक भी अगर सीसीटीवी में ध्यान से देखा जाएगा तो पहचान लिया जाएगा, फिर पुलिस इतनी ज्यादा इस तरह से क्यों ले रही है इस मामले को? इस मामले में झांसी के एसएसपी से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि अभी परिवार वाले अभी कोई हमारे यहाँ थाने नहीं पहुंचे हैं, और जैसे ही थाने पहुंचते हैं और गाड़ी के नंबर हमको मिलता है तो उसकी तुरंत कार्रवाई। चलिए धन्यवाद एसएस आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता अतीक अहमद पर शिकंजा और कस गया है सीबीआई। आज अतीक अहमद के घर और दफ्तर पर छापेमारी करते हुए नजर आई, रिपोर्ट देखिए। बाहुबली के घर सीबीआई, अतीक के ठिकानों पर छापा, घर दफ्तर और ससुराल में रेड। अतीक का बचना अब नामुमकिन है। पूर्व सांसद और बाहुबली नेता अतीक अहमद की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। देवरिया जेल में व्यापारी से मारपीट और रंगदारी वसूलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अतीक के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया था, जिसके बाद बुधवार सुबह सीबीआई पूरे दल बल के साथ प्रयागराज में अतीक के घर पर रेड मारी। प्रयागराज में बाहुबली सांसद, पूर्व सांसद अतीक अहमद के घर पर सीबीआई का छापा है। ये देख सकते हैं कि ये पूर्व सांसद अतीक अहमद का ये आवास है। यहाँ पर सीबीआई की टीम घर के अंदर दस्तक दे गई है और गेट पर आरएएफ का पहरा है। भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किए कर दिए गए हैं और आसपास जो उनके ऑफिस हैं वहाँ पर सीबीआई छापेमारी कर रही है। सीबीआई ने अतीक के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए घर के अलावा अतीक के दफ्तर और ससुराल में भी छापेमारी की। वहाँ पर जो लोग अंदर हैं उनसे पूछताछ कर रही है। आप देख सकते हैं कि इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पुलिस तैनात कर दी गई है, पैरा मिलिट्री फोर्स भी तैनात कर दी गई है। ये जो भी इलाका है पूरी तरीके से इस समय पुलिस की छावनी में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर जो लोग हैं वो उसमें खलबली मच गई है कि आखिर ये लोग कौन है। हालांकि सीबीआई की टीम, आप देख सकते हैं कि सीबीआई की टीम उनके ससुराल से निकलकर अब ये अतीक अहमद के घर पर जा रही है। वहीं अतीक के वकील के मुताबिक सीबीआई ने छापेमारी की है, जो कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। सीबीआई ने अतीक के घर और दफ्तर में कंप्यूटर और दस्तावेज खंगाले हैं। दस्तावेज वगैरह सील किए हैं और कार्रवाई को और किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। इनके घर में तो इनकी पत्नी और नाबालिग बच्चे हैं, अभी तो और कोई है भी नहीं है। और क्या कार्रवाई कर चल रही है इसकी जानकारी किसी को दे नहीं रहे, हम लोग को भी नहीं जाने दे रहे, एडवोकेट को भी नहीं जाने दे रहे। अतीक अहमद के खिलाफ ये पहला मामला नहीं है कि उसने अपनी दबंगई दिखाते हुए रंगदारी और मारपीट की। फिलहाल कोर्ट की सख्ती के बाद ही अतीक को यूपी की जेल में ट्रांसफर कर गुजरात भेजा गया था। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। लखनऊ में बेखौफ बदमाशों ने एक निजी अस्पताल मैनेजर की घर में घुसकर हत्या कर दी। पुलिस अब आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। देखिए रिपोर्ट।
राजधानी में बेखौफ बदमाश। हत्या से लखनऊ में हड़कंप। पॉश इलाके में मैनेजर का मर्डर। हत्यारा पुलिस की गिरफ्त से बाहर। राजधानी लखनऊ का सबसे पॉश इलाका गोमती नगर मर्डर की वारदात से दहल गया। बुधवार सुबह पुलिस को खबर मिली कि विश्वास खंड 3 में एक शख्स पर चाकुओं से हमला कर हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब मौके वारदात का मुआयना किया तो देखा तो घर में चारों ओर सिर्फ खून ही खून बिखरा हुआ था। पुलिस ये मान रही है कि वारदात के वक्त शायद विश्वजीत ने बचने के लिए काफी संघर्ष किया होगा। पुलिस को मौके से एक बियर और शराब की बोतल भी मिली है। ये वही घर है जिसमें विश्वजीत कल रात में घायल अवस्था में पाए गए थे। अपनी मां के कमरे में पहुंचे थे, उन्होंने बताया कि वो घायल है, उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, लेकिन ये नहीं बता पाए कि आखिर उनके साथ घटना क्या हुई। तो परिवार वाले हॉस्पिटल लेकर पहुंचे थे जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मेरा छोटा भाई है विश्वजीत, जो कि इस समय मृतक घोषित है। कल रात जो है उसके कमरे में कुछ लोग आए या नहीं, मगर उसको जो है चोट का घाव आया और बहुत गहरा। उसके बाद वो जो अपना घाव छुपाने हेतु ऊपर गया, अपनी माँ से बताया उसने, मगर जो है ना उससे दर्द संभाल रहा था ना खून। राजधानी में हाई प्रोफाइल मर्डर के बाद पुलिस महकमे में सनसनी मच गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद एडीजी जोन राजीव कृष्ण आनन फानन में मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। दुखद एक घटना हुई है जिसमें जो अभी जिन साहब की बात हो रही थी, तो छोटे भाई की कल डेथ हुई, असल में डेथ हुई। डिटेल में सभी अधिकारियों के साथ में इसका मौका मुआयना किया है। अभी जो इसकी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है, अभी इस बात को कहना जल्दबाजी होगी कि पूरी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या थे। कुछ चीज़ें क्लियर हो रही हैं, कुछ चीज़ें अभी उससे विरोधाभासी हैं। एक और जहां लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है, लेकिन लखनऊ में मैनेजर के मर्डर ने विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने का एक और मौका दे दिया है। वो भी तब जब गुरुवार से ही विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और ये तय है कि विपक्ष कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर सदन में सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। अरविंद कुमार, भारत समाचार, लखनऊ। और कानपुर से खबर है जहां पर कांवड़ यात्रा के पहले ही दिन हादसा हुआ है। कांवड़ यात्रा के दौरान भीषण हादसा हुआ है। कांवड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में 2 कांवड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दर्जन भर कांवड़िए घायल हुए हैं। कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। कन्नौज के तिरवा से आए थे कांवड़िए, बिल्हौर थाना क्षेत्र के अरौल की घटना। हादसे में 2 कांवड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि दर्जन भर कांवड़िए घायल हुए हैं। कांवड़ियों की मौत हुई है, बिल्हौर थाना क्षेत्र के अरौल की घटना है। कन्नौज के तिरवा से आए थे ये कांवड़िए। पहला ही दिन और पहला ही दिन हादसों के लिए आप देखिए, बड़ा हादसा कांवड़ यात्रा के पहले ही दिन, जहां पर कन्नौज के तिरवा से आए कांवड़िए की जो ट्रैक्टर थी वो पलटी। और अवनीश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। अवनीश, कांवड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई है, कितने लोग घायल हुए, कितनों की सीरियस कंडीशन है और 2 कांवड़ियों की मौत भी हो गई है। अवनीश, देखिए ये कांवड़िए हरदोई जनपद से आए थे और वापस तिरवा होकर के वापस जा रहे थे, तभी इनकी जो ट्रैक्टर ट्राली थी ओवरलोड होने के चलते पलट गई। इसमें मौके पे 2 कांवड़ियों की मौत हो गई थी और लगभग 8 से 10 लोग अभी भी गंभीर है और जिनकी तादाद घायलों की 50 से ऊपर पहुंच गई है। और हालांकि जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। स्थानीय लोगों की मदद से इनको जो पीएससी सीएससी है और कुछ लोगों को जो गंभीर है उनको कानपुर हेल्थ अस्पताल रिफर किया गया है। बिल्कुल। और अवनीश देखिए, इस पूरे हादसे में अवनीश किस प्रकार से ये हादसा हुआ है, किस तरह की बात सामने आई है इस हादसे को लेकर? देखिए ट्रैक्टर ट्राली जो थी ओवरलोड थी और रोड खराब थी, एकदम से रोड ब्रेक लगा, ट्रैक्टर कहीं लापरवाही है अवनीश, निश्चित तौर पर। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कांवड़ियों की मौत हुई है और निश्चित तौर पर बड़ा हादसा हुआ है। और चलिए जौनपुर से अब आपको बड़ी खबर बताएं, जहां पर तालाब में डूबकर 2 बच्चों की मौत हुई है। मां ने दोनों बच्चों को तालाब में फेंका। पति ने झगड़ा कर बच्चों को
तो जौनपुर की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मां ने दो बच्चों को तालाब में फेंका है, पति से झगड़ा करके बच्चों को तालाब में फेंका है, पानी में डूब कर तड़प तड़प कर बच्चों की मौत हो गई है, पुलिस को बिना बताए अंतिम संस्कार भी। सरायख्वाजा के सतहड़ा गांव का ये मामला है, पानी में डूब कर तड़प तड़प कर बच्चों की मौत हो गई है, पुलिस को बिना बताए अंतिम संस्कार। सरायख्वाजा के सतहड़ा गांव का ये मामला है जहां पर पुलिस को बिना बताए अंतिम संस्कार किया गया है। सनसनीखेज मामला जौनपुर में जहां पर तालाब में डूबकर दो बच्चों की मौत हुई है। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर अलीगढ़ से आ रही है जो आपको बताए, एएमयू के मौलवी पर गंभीर आरोप लगा है। एएमयू मौलवी पर किशोरी से रेप का आरोप, नाबालिग से डरा धमकाकर रेप का आरोप। एएमयू मौलवी पर किशोरी से रेप का आरोप, नाबालिग से डरा धमकाकर रेप का आरोप। मुकेश हमारे सहयोगी, ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर। मुकेश, एएमयू के मौलवी पर बड़ा आरोप लगाया है, क्या कुछ पूरा मामला है? खुशबू ये बता दूं, जिस तरह से एएमयू के जो मामला लगातार जो सुर्खियों में रहता है, एएमयू में सुर्खियों में रहती है, लेकिन इस बार जो सुर्खियों में आया है एक बहुत ही शर्मसार जो घटना है उसको लेके आया है। एक मौलवी है जो एक 9 साल की बच्ची को पढ़ाने जाते थे, वो उनके ऊपर एक आरोप लगाया है कि उन्होंने एक 9 साल की बच्ची को हवस का शिकार बनाया है। जैसे ये जानकारी जब परिवारजनों को मिली तो उन्होंने तुरंत जो है पुलिस को सूचना दी और मौलवी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और लगातार पूछताछ जारी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने की बात कही है कि जिस तरह से ये मामला सामने आया कोर्ट को एडमिट है। तमाम जानकारियों के लिए। और अगली खबर चंदौली से है जहां बीजेपी विधायक सुशील सिंह का कारनामा सामने आया है। कॉलेज में बच्चों को दिलाई बीजेपी की सदस्यता, छात्र छात्राओं को बीजेपी का पट्टा पहनाया। नेशनल इंटर कॉलेज सैयद राजा का मामला है। विधायक से छात्रों ने लाइब्रेरी की मांग की, लाइब्रेरी तो नहीं मिली लेकिन बीजेपी का सदस्य बना दिया गया। आप देखिए, छात्र छात्राओं को बीजेपी का पट्टा पहनाया, कॉलेज में विधायक का सदस्यता अभियान। कॉलेज के प्रिंसिपल ने विरोध भी नहीं किया कोई। DIOS भी विधायक सुशील सिंह के समर्थन में। तो सुशील सिंह विधायक है, वो आए थे और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता होने वाली थी, उसमें कुछ लड़के भाग लिए हैं सदस्यता में और आए थे वहीं पर। कम से कम 1 घंटे के लमसम में समय अपना बिताए थे और उसके बाद चले गए। मेरे प्रिंसिपल सर बोले थे तो सुशील सर कहे थे कि यहाँ पर लाइब्रेरी की व्यवस्था हो जाएगी। उसके लिए क्या आप लोगों को भाजपा ज्वाइन कराया है? भाजपा नहीं, वो हम लोगों को सदस्य बनाए थे। सदस्य बनाए? हाँ। उसके लिए प्रिंसिपल ने बताया वो ये था कि विद्यालय ऑफ हो चुका था, कक्षाएं खत्म हो चुकी थी, छुट्टी के बाद विधायक जी पहुंचे थे और बच्चों ने ही विधायक जी को बुलवाया था। उन्होंने पुस्तकालय की मांग रखी थी और उस पुस्तकालय की डिमांड पे ही विद्यालय में विधायक जी पहुंचे थे और सदस्यता वाली जो बात है वो बता रहे थे प्रिंसिपल साहब की एक निराधार। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संतोष जुड़ गए हमारे साथ। संतोष, छोटे छोटे बच्चे हैं जिस प्रकार से हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, उनको ये पट्टा पहनाया जा रहा है, क्या समझेंगे वो इससे? पुस्तकालय की मांग की थी, सदस्यता अभियान चला रहे थे वहां पर ये। जी, चूंकि ये मामला 16 जुलाई का है और कल शाम ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। जो अभी तक मामला सामने आया उसमें बच्चों ने जो बताया था कि पिछली सरकार सपा सरकार से पुस्तकालय की उनकी डिमांड थी और इस सिलसिले में वो विधायक से मिलना चाहते थे, जिसमें कल विधायक लगभग 12:15 बजे राजा इंटरनेशनल कॉलेज पहुंचे थे। वहां जो है बच्चों से उन्होंने बात की, पुस्तकालय के बच्चों को उन्होंने बुलाया, उनको उनसे बात की पुस्तकालय के विषय में। उसके बाद ये मामला उभरा कि आप बीजेपी के विचारधारा से जुड़े, बीजेपी की सदस्यता ग्रहण किए। उसके बाद जैसा कि विधायक का कहना है कि उनके साथ कार्यकर्ता थे, वो बीजेपी का पटका लिए हुए थे और उन्होंने बच्चों को पहनाया, बच्चों की इच्छा थी फोटो साथ में खिंचवाने की, इसलिए उन्होंने पटका पहना के फोटो खिंचवाया। जी बिल्कुल संतोष, देखिए कहीं ना कहीं ये किस प्रकार का मामला सामने आ रहा है कि जो प्रिंसिपल है वो उपस्थित है, DIOS वो उपस्थित है और वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जिस प्रकार का बयान बच्चों का सामने आया है सारी चीजों को गलत साबित करते हुए। संतोष जी, एक इसमें देखने वाली चीज ये भी है कि जब हम लोग आज प्रिंसिपल से बात करने गए तो प्रिंसिपल कॉलेज छोड़ के नजारत थे और मामला तूल पकड़ते थे। DIS भी अपने ऑफिस से गायब मिले, वो साहबगंज में ब्लॉक प्रमुख चुनाव 19 जुलाई को होने वाला है, उसके प्रभारी बनाए गए हैं। इसी तरह उन्होंने बाइक देने के लिए हामी भरी, लेकिन ये मामला तूल पकड़ रहा है और
कहीं ना कहीं जो टाइमिंग थी विधायक की वहां जाना, पुस्तकालय के बारे में बच्चों से बात करना और उनके कार्यकर्ताओं का पटका पहनाना, ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं कि हाँ हो सकता है मनसा रहा हो। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखिए जो तस्वीरें भी हमारे सामने आ रही है संतोष, तस्वीरें काफी कुछ कह जाती हैं, हम तस्वीरों में दिखा भी पा रहे हैं दर्शकों को, और जिस प्रकार की बातें भी सामने आई हैं वो चीजें बिल्कुल गलत लग रही है। कहीं ना कहीं छोटे बच्चे हैं, पुस्तकालय की मांग की थी, और ऐसे में उनके गले में आप पट्टा देकर उन्हें क्या बताना चाह रहे, क्या मैसेज जाएगा इससे संतोष? देखिए सबसे बड़ी बात है कि ठीक है बच्चों का पुस्तकालय का डिमांड था, आप मिलने गए, लेकिन कहीं से ये उचित नहीं लगता कि बच्चों को पटका पहना के फोटो खिंचाएं। ठीक है बच्चों की इच्छा थी कि हमारे माननीय विधायक उनके साथ हमारे फोटो हो जाए, लेकिन ये फोटो खिंचाने का मतलब ये नहीं कि आप पटका पहनाएं। आप अब इस मामले को लेकर विपक्ष को भी एक मुद्दा मिल गया है और विपक्ष भी मोर्चा खोल दिया है, सपा के लोग भी हमलावर हो गए हैं और ये सत्ता का दुरुपयोग की बात भी कह रहे हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे ही संतोष, जब इस प्रकार के मामले सामने आएंगे खास करके बच्चों को लेकर। चलिए बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए संतोष। तो छात्र छात्राओं और बीजेपी का पट्टा पहनाया गया और कहीं ना कहीं ये मामला अब तूल पकड़ता हुआ। वैश्विक आतंकी हाफिज सईद को पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब की काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने हाफिज सईद को लाहौर से गिरफ्तार किया है। वो लाहौर से गुंजरावाला जा रहा था। गिरफ्तारी के बाद हाफिज सईद को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। इस दौरान हाफिज सईद ने कहा कि मैं अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ कोर्ट जाऊंगा। तो देखिए कौन है हाफिज सईद, जमात उद दावा संगठन का प्रमुख है, मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद, 2008 के मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है ये, और भारत लगातार कोशिशों में है कि किसी प्रकार से इसे पकड़ा जाए। देखिए हाफिज सईद अब ग्लोबल टेररिस्ट भी है और कई बड़े कांड इसने किया है। हाफिज सईद पर 10 मिलियन का इनाम है। आतंकी हाफिज सईद गिरफ्तार हुआ है और निश्चित तौर पर बड़ी कूटनीति जीत के तौर पर जरूर देख रहा है भारत इसे। 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है ये हाफिज सईद, लाहौर से गिरफ्तार हुआ हाफिज सईद, और कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों से यह कहा गया पाकिस्तान को, एक तरह से समझिए आप कि पाकिस्तान को वार्न किया गया, अगर आप इस तरह के जो लोग हैं उन पर कार्यवाही नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल होगी। और देखिए ये गुंजरावाला जाते समय गिरफ्तारी हुई है मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद की। इससे पहले पाकिस्तान ने नजरबंद जरूर किया है लेकिन गिरफ्तारी पहली बार। पाकिस्तान ने कई बारी ये नाटक ये स्वांग किया है अरेस्ट करने का, हाउस अरेस्ट करने का। फिर पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो बड़ी रहम दिल हो जाती हैं, कहती हैं कोई केस ही नहीं, छोड़ देती हैं, मजाक बना देती हैं दुनिया के सामने। जो भी डोसियर भेजे जाते हैं बोलते साहब ये तो महज मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। तो ये देश का भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता जब तक कि हम ठोस एक्शन ना देखें। लखनऊ में राजभवन में सीएम योगी ने विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान राज्यपाल राम नाईक भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने कहा राजभवन 5 साल में रचनात्मकता का केंद्र रहा है। जिस ओजस्वी भाव के साथ, जिस तेजस्वी भाव के साथ, तो राज्यपाल राम नाईक भी इस मौके पर मौजूद रहे और मुख्यमंत्री ने कहा राजभवन रचनात्मकता का केंद्र बना है और ओडीओपी योजना से लोगों को लाभ मिला। पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर हर भारतवासी स्वामी विवेकानंद का नाम आते ही उस नई स्फूर्ति के साथ, एक नई उमंग के साथ, अपनी प्राचीन धरोहर के एक योग्य संरक्षक के नाम पर उनके प्रति श्रद्धानवत होते हुए दिखाई देता है। राजभवन का द्वार प्रत्येक के लिए खुलना, हर पीड़ित अपनी बात को लेकर के राजभवन में आ सकता है और विगत 5 वर्षों के दौरान अकेले राजभवन में 30,000 से अधिक जनता के द्वारा सीधे यहां पर आदरणीय राज्यपाल महोदय के साथ सीधे संवाद करना उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी का हिस्सा रहा है कि जिसने राजभवन को जनभवन बना करके इस गरिमा को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की। उत्तर प्रदेश के राजभवन में आज स्वामी विवेकानंद की 12.5 फीट की कांसे की प्रतिमा का आज अनावरण हुआ है। राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में
इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि श्री राम कृष्ण मिशन की तरफ से भी तमाम लोगों को, स्वयंसेवी लोगों को यहाँ पर बुलाया गया था। इस कार्यक्रम में मंत्री भी मौजूद थे उत्तर प्रदेश सरकार के। और 12.5 फीट की इस कांसे की प्रतिमा को मुंबई के कलाकारों ने तैयार किया है। मुंबई में विशेष रूप से इस प्रतिमा का निर्माण किया गया और उसके बाद यहाँ पर लाया गया है। राज्यपाल राम नाईक की तरफ से पहले भी कहा गया था कि वो चाहते हैं कि राजभवन में स्वामी विवेकानंद की एक प्रतिमा स्थापित हो, और उनके इस निर्देश के बाद इस पर काम हुआ है। और आज जाकर के इस 12.5 फीट की कांसे की प्रतिमा को राजभवन के मुख्य द्वार पर सामने ही स्थापित किया गया है। कैमरामैन दुर्गेश के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ। और खबर लखनऊ से, जहां पर विधानसभा सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक खत्म हुई है। विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई बैठक। सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री रहे मौजूद, सुरेश खन्ना भी सर्वदलीय बैठक में मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक हुई, बैठक खत्म हुई है। फरमान हमारे सहयोगी, ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर। फरमान, ये सर्वदलीय बैठक थी, क्या कुछ हुआ है इस बैठक में? देखिए, सदन को सुचारू रूप से चलाया जा सके और एक स्वच्छ वातावरण में सदन चल सके, इसको लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा जो विरोधी पार्टियां हैं उनके नेता भी शामिल हुए, कांग्रेस के जो नेता हैं वो शामिल हुए। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी इस बैठक में मौजूद रहे, ओम प्रकाश राजभर जो सुभाषपा के नेता हैं वो मौजूद रहे, बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं लालजी वर्मा मौजूद रहे। तमाम नेता मौजूद रहे और इस बात को लेकर चर्चा की गई कि सदन को किस तरह से सुचारू रूप से चलाया जा सके और स्वच्छ वातावरण में जनता की समस्याओं पर, उनके मुद्दों पर चर्चा की जा सके। बिल्कुल, निश्चित तौर पर फरमान। तो कहीं ना कहीं देखिए, बहुत जरूरी होता है सदन का अच्छे से चलना, क्योंकि सदन एक ऐसी जगह है जहां जनता की समस्याओं को ढंग से रखा जा सकता है। जरूरी था ये सर्वदलीय बैठक। बहरहाल, बहुत बहुत धन्यवाद फरमान आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो सर्वदलीय बैठक खत्म हुई है, ओम प्रकाश राजभर भी बैठक में मौजूद रहे, तमाम बड़े जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। निश्चित तौर पर कल विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है और उसको लेकर ही सर्वदलीय बैठक। लखनऊ से खबर है जहां राजभवन कॉलोनी में कैबिनेट मंत्री बृजेश पाठक के आवास पर कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री बृजेश पाठक ने कार्यकर्ताओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया और लोकसभा के चुनाव में काम करने वाले मध्य विधानसभा संयोजक और बूथ अध्यक्ष को भी सम्मानित किया। तो कार्यकर्ता सम्मान समारोह बृजेश पाठक ने किया सम्मानित कार्यकर्ताओं को। भारतीय जनता पार्टी का ये सम्मान समारोह था, कार्यकर्ता सम्मान समारोह, जहां पर बृजेश पाठक पहुंचे, यहां पर कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। कैबिनेट मंत्री के आवास पर यह कार्यक्रम, बृजेश पाठक ने सम्मानित किया भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यकर्ता सम्मान समारोह। आज हमारे लखनऊ के कार्यकर्ताओं ने जिस ढंग से मेहनत करके लोकसभा चुनाव में और पार्टी को बुलंदियों की तरफ पहुंचाया है, हमने भी तय किया कि ये सम्मान जो चुनाव के बाद से लेकर के लोकसभा के और विधानसभा चुनाव के बाद से लेकर आज तक हमको पूरे प्रदेश और लखनऊ में मिला है, हमने आज अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान उन्हें भेंट किया है। खबर प्रयागराज से है जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य श्रावण महीने के पहले दिन दशाश्वमेघ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने देवाधिदेव महादेव बाबा भोलेनाथ की विधिवत पूजा अर्चना की और रुद्राभिषेक किया। तो श्रावण मास के पहले दिन केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे मंदिर प्रयागराज में, पूजा अर्चना की, संगम नगरी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। भक्ति में सराबोर डिप्टी सीएम पहुंचे यहां पर, पूजा अर्चना की, पूजा पाठ की, दशाश्वमेध मंदिर में पूजा अर्चना की केशव प्रसाद मौर्य ने, संगम नगरी पहुंचे। और आज से श्रावण मास की शुरुआत हुई है और कहीं ना कहीं इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आज का दिन भोले बाबा की पूजा अर्चना के लिए। तो यहाँ खुद पहुंचे डिप्टी सीएम, उन्होंने पूजा अर्चना की। तो संगम नगरी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, खबर बागपत से, जहां अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली साध्वी प्राची आर्या ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया। ऋचा भारती प्रकरण में जज के फैसले पर साध्वी प्राची ने कहा, अगर जज ऋचा भारती को कुरान बांटने का फैसला सुना सकते हैं तो जिन लोगों ने दिल्ली समेत कई राज्यों में मंदिर तोड़ने का काम किया उन्हें राम नाम का पटका गले में डालकर कांवड़ लाने के आदेश में भी सुनाए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, जज के फैसले को फतवा बताते हुए इसकी तुलना सीरिया के फैसले से की है।
दीदी एक तो आप उसमें बताओगे ना। तो जज के फैसले पर विवादित बयान दिया है, उनका सम्मान करते हैं लेकिन हमको लग रहा है कि हम दीदी एक तो आप उसमें बताओगे ना ये फैसला हम पूरी तरीके से गलत नहीं बोल रहे, जहाँ से फैसला है उनका सम्मान। खबर अलीगढ़ से, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 15,000 का इनामी बदमाश शारिक गोली लगने से घायल हुआ। मामला थाना अकराबाद इलाके के कस्बा कोड़ियागंज का है। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यह गिरफ्तारी की। आपको बताएं बीजेपी नेता राजेश वर्षनायन की लूट के बाद हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से ये बदमाश फरार चल रहे थे। 15,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ है, ताबड़तोड़ एनकाउंटर, मुखबिर की सूचना पर यह गिरफ्तारी की गई। अलीगढ़ में जबरदस्त सफलता पुलिस को मिली है। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर देवरिया से आ रही है, जहां सीबीआई ने देवरिया में दी है दस्तक। देवरिया से बड़ी खबर, सीबीआई ने देवरिया में दी है दस्तक। अतीक मामले में जांच को पहुंची सीबीआई। 5 सदस्यों की टीम ने डाला डेरा। देवरिया में पहुंची सीबीआई की टीम, मुख्यालय के कई होटल सीबीआई की रडार पर। छापेमारी कर होटलों के रिकॉर्ड कब्जे में लिया है सीबीआई ने। छापेमारी कर रही है होटल कर्मचारियों और जेल कर्मचारियों से पूछताछ। देवरिया जेल में मोहित को अतीक ने पीटा था, जिसको लेकर अब सीबीआई जांच हो रही है। देवरिया पहुंची है सीबीआई ने, देवरिया में दस्तक दी है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत।